हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज देखें, मैंने बनाया बिल्कुल ही हेल्दी सा और टेस्टी सा नाश्ता, जो सिर्फ आलू और गेहूं के आटे से बनाया है। हेल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैदा से नहीं बनाया, सूजी से नहीं बनाया, सिर्फ गेहूं के आटे से बनाया। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता पककर हो गया बिल्कुल रेडी। तो चलिए, इसकी रेसिपी आपके साथ हम शेयर करते हैं। देखिए, मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना टेस्टी सा हमारा नाश्ता बना है। उसके बाद हमें इसमें डालने हैं आलू। तो ये उबले हुए आलू हैं और इनको अच्छे से मैश करके हमें तेल के अंदर डालना है। आलू डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में हाफ टी स्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून लेना है हमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून लेना है धनिया पाउडर, और इसके साथ ही हाफ टी स्पून लिया है अमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून लिया है काला नमक, और हाफ टी स्पून ही लिया है सफ़ेद नमक। नमक आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मसाले भी वैसे सारे ही आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आप खाना पसंद करते हो। हाफ टी स्पून लिया है मैंने काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले डालने के बाद हमें सारे मसालों को अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर देना है, क्योंकि ये हम एक आलू का नाश्ता बना रहे हैं तो उसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। आलू देखिए हल्का सा पकने के बाद हमें अब इसमें डाल देनी है एक प्याज। ये प्याज हमें बाद में डालनी है, क्योंकि बाद में डालने से इसका क्रंची सा अच्छा सा टेस्ट आता है फिलिंग के अंदर। तो सिर्फ अब हमें प्याज डालने के बाद प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस तब तक ही हमें ये जो मसाला है फिलिंग हमने तैयार की है ये हमें पकाना है। तो गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पे करके ना ये जो फिलिंग है उसको पका रही हूँ। तो देखिए, हमारे जो आलू का मसाला था वो पककर अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब इसको हम बंद कर देते हैं गैस को और इसको ठंडा कर लेते हैं। इधर देखिए, ये मैंने 10 मिनट पहले आटा लगाया था। आटे में थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा तेल और नमक डाल के ना, जैसा हम रोटी का आटा लगा लेते हैं वैसा ही आटा ये भी हमें लगाना है, और इसमें अच्छे से लोच देना है और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देना है। तो मैंने पहले ही लगा लिया था, 10 मिनट हो गई हैं। अब इसकी एक लोई बना ली थी, और जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें ये बेलनी है अच्छे से। देखिए, जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। तो अब जो हमने आलू की फिलिंग रेडी की थी वो सारी रोटी के ऊपर हमें फैला देनी है। ज़्यादा मोटी परत नहीं रखनी है, पतली पतली परत ही हमें रखनी है, और सारी रोटी के ऊपर हमें इसको फैला देना है। इक्वल सारी रोटी के ऊपर हमें इसको सेपरेट करना है। देखिए, सारी रोटी के ऊपर मैंने इसको फिलिंग को फैला दिया है। अब हमें देखिए इसको राउंड राउंड करके ना ऐसे फोल्ड करना है, हल्के हाथों से राउंड राउंड करके ना हमें अच्छे से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, ये अच्छे से हमारी फोल्ड हो गई है। अब इनको हमें छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेना है, जितने पीसीज आप अपने हिसाब से इसको कट कर लीजिए। ये देखिए, कट करने के बाद देखिए क्या करना है, एक पीस हमें उठाना है, किसी बर्तन में या प्लेट में रखना है और उसको हल्के से हमें प्रेस कर देना है। फिर दूसरा पीस हमें उठाना है और हल्के से उसको ऐसे प्रेस कर देना है, तो हमारे नाश्ते को एक नया शेप मिल जाएगा। तो इस तरीके से सारे पीसीज को उठा के ना हमें हल्का सा प्रेस कर देना है। तो ये देखें, मैंने सारे पीसीज उठा के ना और प्रेस कर दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हमें देखिए मैदा लेनी है, ये लिए है मैंने 3 बड़े चम्मच मैदा, और इसमें हमें डालना है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें इसका एक घोल बना लेना है, पतला सा घोल। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा, एक साथ पानी नहीं डालिएगा, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हमें एक परफेक्ट घोल तैयार कर लेना है।
देखिए हमें इस टाइप का घोल बनाकर रेडी करना है। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है और उसमें अब हम डालते हैं तेल। हम इनको सैलो फ्राई करेंगे इसलिए ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही तेल डालेंगे जो सारे पैन में अच्छे से फैल जाए। और तेल को गर्म कर लेते हैं। ये इधर देखिए तेल जो हमारा मीडियम टेम्परेचर पर गर्म हो गया है। तो तेल को हमें सारे पैन में फैला देना है और गैस का फ्लेम हमें रखना है मीडियम। और अब क्या करना है, जो घोल हमने बनाया था उसके अंदर जो नाश्ता हमने बनाकर तैयार किया था उसको डिप कर देना है। और डिप करने के बाद उसको इस पैन में डाल देना है। तो सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से पैन में डालना है। पहले उस घोल के अंदर हमें डिप करना है और डिप करने के बाद हमें पैन में डाल देना है। तो ये देखिए मैं सारा नाश्ता इसी तरीके से डिप कर करके ना और पैन में डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम हम रखेंगे मीडियम, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे अच्छे से ये सैलो फ्राई होते हैं। जब हमारा नाश्ता एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो हमें उसको दूसरी साइड से पलट देना है। तो इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें पलटना। देखिए हमारे नाश्ते में कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा हमारा नाश्ता लग रहा है। तो इस तरीके से हमें सारे नाश्ते को पलट देना है और दूसरी साइड से भी हमें नाश्ते को फ्राई कर लेना है। देखिए हमने ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं किया, सैलो फ्राई किया है। सैलो फ्राई भी देखो कितना अच्छा हुआ है हमारा नाश्ता। तो इस तरीके से देखिए दूसरी साइड से भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा जो नाश्ता है देखिए दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब क्या करना, हमें अपने नाश्ते को तेल को अच्छे से झाड़ के ना और निकाल लेना है। दूसरे जर के ऊपर इसको रख के और तेल को हमें अच्छे से झाड़ के ना तभी इसको निकालना है। तो इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें पैन से बाहर निकाल लेना है। इस तरीके से हमें सारा नाश्ता निकाल लेना है। तो ये देखिए गेहूं के आटे का नाश्ता मैंने कर दिया ऐसा हो, तो इसको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना लाजवाब हमारा नाश्ता बना है, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ये हमारे गेहूं के आटे का टेस्टी सा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। ये ज़्यादा नुकसानदायक भी नहीं है क्योंकि गेहूं के आटे से बना है और देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो इस तरीके से जब भी छोटी मोटी भूख लगी हो आप ये नाश्ता बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो अगर मेरे नाश्ते की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।